और महाकुंभ आने वाला है। जैसा कि अर्धकुंभ में जो तैयारी की गई थी और पूरे देश ने और संसार ने देखा, तो पूरे विश्व के जो दर्शनार्थी हैं वो आते हैं। महाकुंभ को लेकर क्या तैयारी है? चूंकि केवल प्रयागराज की जनता ये नहीं जानना चाहती है, बल्कि एबीपी गंगा के माध्यम से, जैसा हमारा नाम है गंगा, उसके माध्यम से पूरा संसार और देश जानना चाहता है कि आखिर महाकुंभ को लेकर नंदी जी ने क्या तैयारी की है, योगी जी ने क्या तैयारी की है। देखिए, यूनेस्को ने मान्यता दी और पिछली बार 24 करोड़ लोग यहाँ पर आए, सकुशल स्नान करके माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने घरों को गए। पूरी सरकार ने सारी व्यवस्था सकुशल हो उसके लिए धन आने ना आए, उसके लिए मेन पावर आने ना आए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ तक कि जो भी पुलिस के व्यक्ति हैं उनको भी ट्रेनिंग दी गई व्यवहार कैसा रहना है। जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है उनको फील्ड पे नहीं भेजा जाए। यहाँ तक पहली 2025 में कुंभ होना है। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा सपा बसपा, उनको कुंभ से क्या लेना देना था? वो तो बस आते थे, बंदर बांट करते थे, खत्म निकल जाते थे। 2025 में जो मेला होना है उसकी तैयारी उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बैठक ले ली और बैठक लेकर के लोगों को जो जरूरी निर्देश है दे दिए हैं, और 40 करोड़ लोगों के आने की हम लोगों को उम्मीद है। उन लोगों के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से चाहे वो जल निकासी से संबंधित हो, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से संबंधित हो, हर चीज़ में, चाहे जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत घूमना ना हो, उनके लिए जो लो फ्लोर वाली बस आती है वो भी लगानी है, इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं और हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। नंदी जी, एक सवाल अगर न पूछा जाए तो लोग, जो विपक्ष के लोग होंगे या जो आपके साथ के लोग होंगे जिन्होंने राजनीति की होगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब बात हो रही है अभी हमारी आपकी तो लगातार आप सपा बसपा सपा बसपा सपा बसपा कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आप हमलावर होंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी बसपा में भी थे, जो सारी बुराइयां आप गिना रहे हैं, तो उस कैबिनेट के आप भागीदार थे, तो बहन जी में ऐसी क्या बात थी जो आप वहां थे और ऐसा क्या लगा कि आपको भाजपा में आना पड़ा, ये भी जनता जानना चाहती है। देखिए, जनता जानना चाहती है और जानना ही नहीं चाहती बल्कि जानती है। मेरा राजनीति में आना कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। यहाँ पर गुंडे मवाली माफिया इस तरह से हावी थे कि किसी को भी दिन दहाड़े गोली मार देना, एक MLA की दिन दहाड़े हत्या हो गई, और उस वक्त ऐसा माना जाता था और कि बहन जी लाइन ऑर्डर के मामले में कभी समझौता नहीं करती, और उस समय नारा था कि चढ़ गुंडों की छाती पे और बटन दबाओ हाथी पे। मेरे मन में आया कि ये गुंडे और माफिया चुनाव लड़ रहे हैं, MLA बन रहे हैं, और वही गुंडे माफिया एक दूसरे MLA की हत्या कर दे रहे हैं। तो मेरा राजनीति में आना कोई सोचा समझा नहीं था, ये कोई प्लान नहीं था, एक उबाल था जो इंडस्ट्रियल एरिया में गुंडे माफिया इंडस्ट्रीज को त्रस्त करते थे, वैश्य समाज के लोगों को व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूलते थे, उनसे उनके साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनको जो परेशान कर रहा है उसकी लड़ाई को लड़ना, ये मेरा एक निर्णय था और मैं राजनीति में आया। और मैं प्रयागराज के सभी जनमानस को, एक एक मतदाताओं को 100-100 बार शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके सभी की जमानत जब्त करा के मुझे जिताने का काम किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नारे लगने लगे, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है, तो बहन जी ने अतीक अहमद को भी अपने पास मिला लिया, बहन जी ने मुख्तार अंसारी को भी मिला लिया, और नारे लगे कि गुंडे चढ़ गए हाथी पे और गोली पड़ेगी छाती पे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में
हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।